CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रम एक युद्ध मन में। अयोध्या, अयोध्या का अर्थ है जिसे युद्ध में हराया ना जा सके। सीमा पार के युद्ध जो शत्रुओं से महाराज दशरथ ने लड़े, वो तो अयोध्या नाम के अनुरूप उन्होंने सदा ही जीते थे। साथ ही साथ उन्होंने असुरों से भी युद्ध जीता था। जी हां, महाराज दशरथ ने देवताओं की ओर से युद्ध लड़ा था और इस देवासुर संग्राम में भी विजय ही प्राप्त की थी। किंतु आज मन के इस युद्ध में दशरथ क्यों हार रहे हैं? ईश्वर, ये कैसी विडंबना है? मैं किसके पक्ष में और किसके विरुद्ध खड़ा हूं? और एक ओर मेरा वीर न्याय पुत्र, मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम, और एक ओर मेरा वचन जो मैंने अपनी प्रिय पत्नी को दिया था। ईश्वर, मैं क्या करूं? दशरथ कुछ सोच में पड़ जाते हैं और वो अपने पुराने क्षणों को याद करते हैं। हे प्राण प्रिय कैकई, महाराज, आपने आज के युद्ध में दो बार मेरे प्राणों की रक्षा शत्रुओं से की है। मैं अति प्रसन्न हूं। इसलिए हे देवी, मांगो, कोई दो वर मांगो। हे प्राणनाथ, हे अयोध्यानाथ, आप मुझे संसार में अति प्रिय हैं। आपसे बढ़कर मेरे जीवन में कोई नहीं। इसलिए महाराज, वरदान का तो प्रश्न ही नहीं उठता। परंतु आपने वचन दे ही दिया है, तो जब समय आएगा तो मैं आपसे आपके दिए हुए दो वर मांग लूंगी। अवश्य अवश्य मांगना प्राण प्रिय। महाराज दशरथ इन वरदानों के बारे में सोचकर आज चिंतित हैं। क्या मैं भूल जाऊं कि कैकई ने युद्ध विपदा में मेरी सहायता की थी, या ये भूल जाऊं कि मेरी प्रजा की प्रथम इच्छा मेरा पुत्र राम है, और दूसरी ओर मेरा भोला भाला प्रेम की मूर्ति भरत। किसको चुनूं, किसको त्याग दूं? क्या रघुवंशी होकर मैं वचन से फिर जाऊं? ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन न जाए। मुझे वचन निभाना ही होगा। हाँ, निभाना ही होगा। मेरे प्रिय अयोध्या वासियों, मुझे क्षमा करना। पुत्र राम, मुझे क्षमा करना। और वचन के अनुसार श्री राम को 14 वर्ष का वनवास प्राप्त होता है, और वहीं राजकुमार भरत को
अयोध्या का राज सिंहासन सौंपने की घोषणा की जाती है। राजकुमार भरत उस समय अयोध्या में नहीं थे, अन्यथा स्थिति कुछ और हो सकती थी। श्री राम के वियोग में महाराज दशरथ सहित संपूर्ण अयोध्या पर दुख के बादल छाए हुए थे। हे कौशल्ये, जी महाराज, लगता है मेरा अंत निकट है। आप ऐसी बातें क्यों करते हैं महाराज? हे ईश्वर, रानी सुमित्रा। हाँ दीदी। देखो ना महाराज कैसी बातें कर रहे हैं। कौशल्या दीदी, राजवैद्य आते ही होंगे। नहीं नहीं सुमित्रे, नहीं, अब वो श्राप मुझे जीने नहीं देगा। मुझे अपने कर्मों का फल भुगतना ही होगा। हाँ। कौन सा श्राप महाराज? उस वृद्ध पिता के श्राप से कोई भी मेरी रक्षा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। महाराज किस श्राप की बात कर रहे हैं आप? भला आप जैसे न्यायप्रिय को कौन श्राप देगा? वो वृद्ध पिता, वो वृद्ध माता, उनके हृदय से निकली आह श्राप ही तो है कौशल्ये। महाराज, कौन से वृद्ध पिता? आप किसकी बात कर रहे हैं महाराज, बताइए। बहुत पुरानी बात है, मैं वन में रात को आखेट के लिए छुप कर खड़ा था। कुछ समय पश्चात मुझे नदी से किसी के जल पीने का स्वर सुनाई दिया। फिर महाराज? मैंने स्वर की दिशा में बाण चला दिया। और वो बाण एक किशोर बालक को जा लगा, जो अपने बूढ़े और दृष्टिहीन माता पिता के लिए नदी से जल भर रहा था। और फिर कौन है वहां? ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? ईश्वर, ये मुझसे क्या अनर्थ हो गया? बालक, उठो बालक, तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। आप मेरे माता पिता को जल पिला दें, वो बहुत प्यासे हैं। अवश्य बालक, मैं भी जाता हूँ तुम्हारे माता पिता के पास। तुम चिंता मत करो, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। मैं भी जाता हूँ। कहाँ है तुम्हारे माता पिता? कहाँ है तुम्हारे माता पिता? महाराज, होश में आइए। महाराज, उसके पश्चात क्या हुआ? सुमित्रे, कौशल्ये। जी महाराज। फिर मैं तुरंत उनके पास गया, किंतु उन्होंने जल नहीं पिया। और जब मैंने उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु की सूचना दी तो जाओ दशरथ, जाओ, तुम क्या जानो पुत्र वियोग क्या होता है? यदि तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ जाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि पुत्र वियोग क्या होता है। जाओ 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 दशरथ, हमें यहीं अकेला छोड़ दो। दशरथ, तुम छोड़ दो। अकेला जाओ यहां से। पुत्र श्रवण, तुम कहां चले गए? लगता है कौशल्ये, जी महाराज, अब श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया है। नहीं महाराज, किसी निरीह के साथ
अन्याय का फल मुझे अवश्य मिलना ही चाहिए महाराज। मिलना ही चाहिए सुमित्रे। नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए महाराज। श्रवण कुमार, मुझे क्षमा कर दो। राम मेरा पुत्र। महाराज खुद को संभालिए। कौशल्य जी महाराज, पाप कितना भी छुप के किया जाए वो पाप ही रहता है और उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। मेरा पुत्र राम सदा कहता है मानवता, प्रेम और अहिंसा सर्वोपरि है। हे पुत्र मैंने हिंसा की है मैंने हिंसा, तो मुझे दंड भुगतना ही होगा और मुझे तुमसे दूर होना ही होगा पुत्र। नहीं महाराज, होना ही होगा। किंतु महाराज, आपने जानबूझकर तो उस बालक श्रवण कुमार का वध नहीं किया। हाँ महाराज, आप तो आखेट के लिए गए थे ना। किंतु निरीह और भोले भाले पशुओं को मारना भी तो अपराध ही है ना महाराज। मैं शक्ति के मद में और आत्म सुख के लिए ही तो आखेट कर रहा था। नहीं महाराज, निरीह पशुओं से मेरी भला क्या शत्रुता थी, क्या शत्रुता थी उनसे मेरी। पर महाराज, हर मनुष्य अपने कर्मों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होता है, सो मैं भी हूँ। मैंने दुख दिया है, ऐसा ना कहिए। दुख दिया है मैंने, तो मुझे भी दुख ही मिलेगा। यही न्याय संगत है, यही न्याय संगत है। नहीं महाराज, मैं इस पाप बोध के साथ नहीं जी पाऊंगा, नहीं जी पाऊंगा कौशल्य। नहीं महाराज, अपने पुत्र को देख लेने की आस लिए इस संसार को छोड़ जाऊंगा। मेरे पुत्र राम। महाराज दुखी मत होइए महाराज। साथियों, राम कथा का ये प्रसंग मानवता के लिए कितना बड़ा संदेश है। पाप कितना भी छुपके किया जाए वो पाप ही रहता है और उसका परिणाम भी भुगतना ही पड़ता है। यहां तक कि केवल आनंद के लिए निरीह और भोले भाले पशुओं को मारना भी अपराध ही है। आज इसीलिए पशु रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुत्र वियोग में महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए, किंतु पुत्र वियोग के साथ उनके मन में जो एक बात थी वो ये थी कि उन्होंने एक निर्दोष प्राणी का वध किया, एक निर्दोष माता पिता को पुत्र विहीन किया। ऐसे कर्म कभी भी सुखद परिणाम नहीं दे सकते। इसलिए साथियों, कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक युद्ध मन में। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख वंदना अरिमर्दन और अमित कुमार, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, सुषमा शर्मा और ममता मलकानी, ध्वनियांकन विकास सांगवान और शानु मुक्सीम, निर्माण सहायक कुसुम लता और अमित कुमार, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। और हाँ, आप हमसे ईमेल पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।